हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इससे रिलेटेड हमने पहला जो टाइप देखा, पहला टाइप अभी हम पढ़ रहे हैं, पहला ही टाइप पढ़ रहे हैं। पहले टाइप में क्या था कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसमें हमने पहले देखा था कि पार्टिकल क्या हो, यदि पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग फेंक दें, उस पहला केस था। सेकंड केस क्या था कि चार्ज पार्टिकल को हम क्या करें, रिलीज कर दें रेस्ट से मैग्नेटिक फील्ड में। थर्ड केस था कि चार्ज पार्टिकल क्या, पार्टिकल क्या हो, चार्जलेस हो। फोर्थ केस क्या था कि मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। आज हम जो लास्ट केस देखेंगे कि क्या है कि मोशन व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा, वेयर थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 0, 90 and 180 degree विद द फील्ड। इस केस में क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो क्या है, यहाँ x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस हमने क्या किया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ क्या है, ओरिजिन से किसी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है, x एक्सिस के अलोंग क्या है, डायरेक्टेड है ना। हमने क्या किया कि किसी चार्ज पार्टिकल को जिस पे चार्ज क्या है, प्लस एम है, प्लस क्यू है, उसका मास क्या है, एम है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे क्या किया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया, प्रोजेक्ट कर दिया है ना। तो क्या होगा, यहाँ वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा, वो क्या होगा, वी कॉस थीटा, इसको पैरेलल कंपोनेंट भी बोलेंगे। और दूसरा क्या होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वी नॉट साइन थीटा होगा। तो वी नॉट कॉस थीटा से क्या होगा, चार्ज पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग स्ट्रेट लाइन में कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। क्यों, क्योंकि इसके अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग पे फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एट द सेम टाइम ड्यू टू दिस वी नॉट साइन थीटा पार्टिकल विल मूव इन द वाई जेड प्लेन ऑन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर जो हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, है ना, यहां लिखता हूं कि वेन, तो इन दिस केस क्या होगा, समझ में आया ना, कि वेन ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना, क्या होगा, इन द मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा, वेयर थीटा शुड नॉट बी 0, 90 और 180, तो उसका जो पाथ होगा वो क्या होगा, हेलिकल पाथ होता है। अब क्या होता है यहाँ, तो इन दिस केस है ना, यहाँ क्या होगा, चार्ज पार्टिकल विल क्या होगा, विल मूव अलोंग, क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। यहां क्या होगा, इन क्या होगा, इन वाई जेड प्लेन, क्या होगा, इन वाई जेड प्लेन चार्ज पार्टिकल विल क्या होगा, विल मूव ऑन सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस क्या होगा, आर, स्मॉल आर हमने यहां कंसीडर किया है, तो स्मॉल आर, ठीक है। हेंस इन दोनों को क्या होगा, क्या होगा, समझ में आया ना, इफ इन वाइजेड प्लेन चार्ज पार्टिकल विल मूव ऑन द सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस आर, हेंस क्या होगा, हेंस क्या होगा, हेंस पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल विल क्या होगा, विल बी क्या होगा, हेलिकल विथ यूनिफॉर्म पिच, ये पूछा जाता है, विथ यूनिफॉर्म पिच, पिच क्या होता है मैं बताऊंगा, है ना, ठीक है। क्या होगा, यूनिफॉर्म पिच, ये समझ में आया क्या, कि जब भी क्या होगा, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे चार्ज पार्टिकल को क्या क्या करोगे आप, मैग्नेटिक फील्ड में फेंकोगे,
तो क्या होगा x एक्सिस के अलोंग वो क्या होगा कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि इसके अलोंग कोई फोर्स नहीं लगा है ना, तो x एक्सिस के अलोंग क्या होगा, आई मीन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल विल मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाइल क्या होगा प्लेन परपेंडिकुलर टू दैट इज इन द y z प्लेन इट विल मूव ऑन द क्या होगा सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो क्या होगा YZ प्लेन में सर्कल के अलोंग मूव करेगा और X एक्सिस के अलोंग क्या होगा स्ट्रेट लाइन में, तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं हेलिकल पाथ, क्या बोलते हैं हेलिकल पाथ। अब आप यदि आगे से देखोगे आगे से देखोगे तो इसका जो पाथ होगा वो क्या होगा हम क्या बोल सकते हैं साइनोसॉइडल, वेल साइड व्यू से यदि हम ऐसे देखूं तो ऐसे क्या होगा ऐसे जो होगा वो क्या होगा सर्कुलर क्या होगा पाथ होगा, समझ में आया ना, तो ये भी एक पॉइंट लिख लेना ठीक है कि क्या होगा फ्रॉम फ्रंट व्यू है ना, ठीक है ये भी कभी कभी पूछा जाएगा ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या होगा फ्रॉम फ्रंट व्यू पाथ ऑफ द क्या होगा पार्टिकल पार्टिकल विल बी क्या होगा विल बी साइनोसॉइडल व्हाइल फ्रॉम साइड व्यू, व्हाइल क्या होगा फ्रॉम साइड व्यू क्या होगा इट विल बी सर्कल या सर्कुलर इन वाई जेड क्या होगा ठीक है क्या होगा वाई जेड भाई बहुत सारे अभी हम देखेंगे कि मैंने हेलिकल पाथ बताया था तो हेलिकल पाथ कैसे आता है ये भी हम देखेंगे ठीक है। अब यदि हम क्या करें मोशन कंसीडर कर लेते हैं क्या है एक्स वाई प्लेन में क्या सॉरी मोशन अलोंग, अब मोशन को हम क्या करेंगे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड मोशन इन क्या होगा वाई जेड प्लेन, क्या होगा मोशन इन वाई जेड प्लेन, इसको हम क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड हेलिक्स, आई मीन यहां क्या होगा एक्सिस ऑफ द हेलिक्स विल बी क्या होगा पैरेलल टू द क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो एक पॉइंट और भी लिख लेना यहां एक्सिस एक्सिस ऑफ द क्या होगा हेलिक्स विल बी क्या होगा विल बी ऑलवेज पैरेलल आई मीन ऑलवेज अलोंग क्या होगा ऑलवेज पैरेलल लिख सकते हैं पैरेलल टू द क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक, ठीक है। अब हम कंसीडर करते हैं मोशन अलोंग क्या है, मोशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्या है मोशन अलोंग क्या होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस आई मीन मोशन Along the क्या होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो पहले हम क्या करें मोशन मोशन along x axis और मोशन along क्या होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक ठीक है। तो x एक्सिस के अलोंग किसी भी टाइम देखो सब पार्ट में बस केवल नोट्स पढ़ना है कोई बुक तुम सॉल्व करो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं होने का कोई चांस नहीं क्योंकि इसमें जितने वेरिएशन है सब मैं बता दूंगा। तो मोशन अलोंग x एक्सिस और मोशन अलोंग क्या होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो तो इधर क्या हो रहा है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो किसी भी टाइम यदि इसका वेलोसिटी हम लिखेंगे तो vx इक्वल टू क्या होगा v नॉट cos थीटा एट एनी टाइम और x is equal to क्या होगा x is equal to क्या होगा vx into क्या होगा t I mean position of the particle in xy plane at any time sorry in along x axis at any time t ये क्या हो जाएगा x is equal to क्या होगा v naught cos theta into क्या होगा ठीक है। अब यही से मैं pitch of the helix define कर देता हूँ बाद में हम टाइम पीरियड तुमको मैं बताऊंगा कि टाइम पीरियड कितना होगा है ना या टाइम पीरियड भी तुम खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो लेकिन अभी हम आएंगे तो बाद में हम लिखेंगे यहाँ या चलो बाद में मैं तुमको पिच ऑफ द हेलिक्स बताता हूँ ठीक है। तो यह लिख देता हूँ मैं ना पिच ऑफ द हेलिक्स
देखो यही क्या है, ये वाला डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड, यहां मैंने बताया इसको xp, हम इसको क्या लिखेंगे xp। तो यहां क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मूव बाय चार्ज पार्टिकल पार्टिकल इन एक्स वाई सॉरी पार्टिकल अलोंग द क्या होगा डायरेक्शन ऑफ फील्ड इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इन वन टाइम पीरियड टी इज कॉल्ड क्या होगा पीच ऑफ द क्या होगा हेलिक्स। यहां से तुम देखोगे बाद में मैं ये बता दूंगा तो केवल ये लिख लेना कि xp इक्वल टू क्या होगा, देखो 2 पाई m अपॉन क्या होगा qb इनटू क्या होगा v नॉट cos थीटा, तो दिस इज नथिंग बट द पिच ऑफ द हेलिक्स। अभी आपको मालूम चल जाएगा कि टाइम पीरियड कितना होगा, तो आपको मालूम चल जाएगा पिच ऑफ द हेलिक्स क्या होगा, ठीक है, क्या होगा पिच ऑफ द हेलिक्स क्या होता है ये आपको मालूम चल गया। लेकिन ये रिजल्ट कैसे आता है, देखो टाइम पीरियड ये क्या होता है, टाइम पीरियड दिस इज नथिंग बट द वी नॉट कॉस थीटा। टाइम पीरियड मैंने उस दिन बताया था कि टाइम पीरियड क्या होता है, स्पीड से क्या था इंडिपेंडेंट था यार। तो टाइम पीरियड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल किसी भी एंगल पे फेंको, टाइम पीरियड ऑलवेज क्या होता है 2 पाई एम अपॉन क्या होता है क्यूबी होता है। तो दिस इज टाइम पीरियड, बाद में मैं ये बता देता हूं तुमको, फिर मैं वहां नोट टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है, ये क्या होगा मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। अब हम क्या कंसीडर करते हैं, मोशन अलोंग क्या होगा, मोशन इन वाई जेड प्लेन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने ये बताया था कि इधर से जब देखोगे तो क्या होगा, जो प्रोजेक्शन क्या होगा वाई जेड प्लेन में क्या होगा, सर्कल होगा, है ना। यहां हम लिख सकते हैं कि मोशन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन क्या होगा इन वाई जेड प्लेन। तो ये क्या है, यहां लिख सकते हैं कि इन वाई जेड प्लेन, है ना, क्या होगा इन वाई जेड प्लेन पार्टिकल विल क्या होगा विल मूव ऑन द क्या होगा ऑन द सर्कुलर पाथ, किस स्पीड से मूव करेगा यार, विथ स्पीड वी नॉट साइन थीटा, ठीक है, सर्कुलर पाथ विथ क्या होगा विथ स्पीड वी नॉट साइन थीटा, ठीक है वी नॉट साइन थीटा। अब आप देख सकते हो यार यही क्या है, यदि हमने क्या किया वाई जेड प्लेन मान लिया, है ना, ये माइनस जेड प्लेन होगा बेसिकली, निगेटिव होगा, देखो ध्यान से आउट ऐसे आ रहा है लेकिन ये क्या है यहां से बाहर है और चार्ज पार्टिकल इस प्लेन में मूव कर रहा है, तो जो इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा क्या होगा पीछे बनेगा, ठीक है, ये क्या वाई जेड प्लेन हुआ। इसी प्लेन में क्या होगा ये जो पार्टिकल होगा वो क्या होगा सर्कुलर पाथ पे क्या होगा ऐसे, ठीक है, क्या होगा ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में क्या होगा वो सर्कुलर पाथ पे किस वेलोसिटी से वी नॉट साइन थीटा से क्या होगा करेगा वी नॉट साइन थीटा से, यही क्या हो गया वाई एक्सिस और ये क्या होगा नेगेटिव जेड एक्सिस, याद रखना है। और दिस इज नथिंग बट द क्या होगा सेंटर, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा आर कॉमा क्या हो जाएगा जीरो आई मीन माइनस आर, दिस विल बी क्या होगा रेडियस। अब ये मान लो मुझे क्या करना है तो इस पाथ में, तो अभी आप क्या करोगे रेडियस निकाल सकते हो यार, टाइम पीरियड भी बता सकते हो, तो अब आपको मालूम चल जाएगा यहाँ से। फिर हम आते हैं एक्स कोऑर्डिनेट अपने को मालूम चल गया, वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट, और फिर देखेंगे पिच ऑफ द हेलिक्स का। आपसे पूछा जा सकता है कि किसी टाइम टी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बताओ, है ना, ठीक है, या किसी टाइम टी आई मीन एक्स एक्सिस को कब टच कब कब टच करेगा, वाई एक्सिस को कब कब टच करेगा, आई मीन एक्स एक्सिस को कितने टाइम के बाद टच करेगा, तो सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, आई मीन यहाँ तो एक्स एक्सिस में मूवी कर रहा है,
वाईजेड प्लेन में है ना, या कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के बाद यहाँ होगा, कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए जरूरी है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ, तो आपको ये समझ में आया कि वी नॉट साइन थीटा के वजह से क्या होगा, वो वाई जेड प्लेन में क्या होगा, वो मूव करेगा, किस पार्ट पे, सर्कुलर पार्ट पे, है ना। व्हाइल वी नॉट कॉस थीटा के वजह से क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करेगा। तभी यहां हम लिख सकते हैं रेडियस क्या होगा, ठीक है, रेडियस, तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो यहां ए में लिख रहे हैं रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कुलर क्या होगा, सर्कुलर पाथ, आई मीन क्या होगा, ठीक है, तो आर इक्वल टू अगेन क्या होगा, देखो तो एम वी आर, यहां क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, प्रोवाइड करेगा। तो हम लिख सकते हैं एफ एम इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम वी, वी स्क्वायर अपॉन क्या होगा आर, आई मीन वी परपेंडिकुलर, एफ एम क्या होगा क्यू वी परपेंडिकुलर बी, ठीक है, एम वी परपेंडिकुलर आर, एम वी परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आर इक्वल टू क्या होगा एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, सॉरी क्यू बी। तो यहाँ देखोगे आर जो होगा वो क्या होगा एम वी नट साइन थीटा अपॉन क्या होगा, ठीक है, रेडियस मालूम चल गया है ना, यहाँ भी थीटा 90 डिग्री रखोगे तो मालूम चल। अब टाइम पीरियड कितना होगा, बी में यदि लिखें कि पीरियड ऑफ क्या होगा रिवॉल्यूशन, आई मीन क्या होगा टी, तो टी इक्वल टू क्या लिख सकते हो 2 पाई आर, देखो शायद हमने अगेन यहाँ स्मॉल आर लिख लेना, क्योंकि हमने यहाँ भी स्मॉल आर लिख लेना, क्योंकि वहाँ हेलिक्स में हमने स्मॉल आर लिखा, ठीक है, यही क्या होगा सेंटर होगा, लिख लो तो स्मॉल आर ही लिखो, है ना, स्मॉल आर, दिस विल बी नथिंग बट द स्मॉल, तो 2 पाई आर इंटू क्या होगा वी परपेंडिकुलर, यहाँ जब वैल्यू रखोगे तो 2 पाई एम अपॉन क्या हो जाएगा क्यू। तो यहाँ एक चीज लिखना है यहाँ से कि टाइम पीरियड जो होगा वो क्या होगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड स्पीड से क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है, ये लिख लेना चाहिए। अब तुम पिच ऑफ द हेलिक्स का रिजल्ट खुद से डिराइव कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं कि नोट में क्या लिखेंगे कि टाइम पीरियड इज क्या होगा इंडिपेंडेंट विथ क्या होगा इज इंडिपेंडेंट विथ फर्स्ट में क्या होगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सेकेंड में क्या होगा स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, ये दोनों से क्या होता है डिपेंड इनडिपेंडेंट होता है, केवल क्या चीज पे डिपेंड करेगा मास चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड पे, याद रखना, ठीक है, क्योंकि देखो न स्पीड आया न क्या हुआ वेलोसिटी न थीटा आया कुछ नहीं आया, तो ये चीज आपको क्या करना है ध्यान रखना है ना। अब मान लो कि यही क्या हो गया ये ओरिजिन हो गया है ना, ठीक है, अब ओमेगा क्या होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी यदि हम कैलकुलेट करें, देखो इसकी जरूरत है, अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी हम कैलकुलेट करें तो यहां मैं लिखता हूं है ना, क्योंकि तो ए उसके बाद हमने बी सी में लिखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सी में हम लिखेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी आई मीन ओमेगा, और इसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा 2 पाई अपॉन क्या होगा टी है ना, तो 2 पाई अपॉन टी का वैल्यू रखोगे देख कितना हो जाएगा क्यू बी अपॉन क्या हो जाएगा, इस एंगुलर वेलोसिटी की वजह से क्या होगा वो सर्कुलर पाथ में, ठीक है, इस एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ में मूव करें। अब अगला जो पॉइंट है तो क्या क्या हमने डिराइव किया, टाइम पीरियड है ना, उसके बाद रेडियस, पिच ऑफ द हेलिक्स, हेलिकल पाथ क्या होता है वो हमने देखा, अभी हम देखें कि नहीं पोजीशन क्या होता है वाई जेड प्लेन में, तो हम अगला जो सी डी में लिखेंगे क्या लिखेंगे आई मीन ए बी सी डी है ना, तो डी में हम क्या लिखेंगे पोजीशन
ऑफ पार्टिकल इन वाई जेड प्लेन एट एनी टाइम। ठीक है, पोजिशन ऑफ पार्टिकल इन वाई जेड प्लेन एट एनी टाइम क्या होगा? ठीक, किसी भी टाइम टी पे पार्टिकल का पोजिशन वाई जेड प्लेन में क्या होगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखो क्या है, पार्टिकल जो है इस एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा से एंगुलर फ्रीक्वेंसी से वो कैसे रोटेट हो रहा है? तो किसी टाइम पे यही क्या है, किसी टाइम पे पार्टिकल कहाँ आ गया? यहाँ। तो जेड एक्सिस के साथ वो कितना एंगल मूव किया? अल्फा। यहाँ इसका वेलोसिटी क्या होगा? देखो यही होगा है। हर जगह वेलोसिटी क्या होगा याद रखना है, v0 sin थीटा। ठीक है, अब इस यहाँ किसी टाइम टी यही क्या है, पी पॉइंट है, पी और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, क्या होगा जेड और क्या होगा वाई, यही होगा, ये क्या है वाई। तो देखो ये रेडियस आर दिया हुआ है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपको आसानी से, तो हम बोल सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, आर कॉस आर साइन अल्फा हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, और यहाँ अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा इंटू टी। तो हम लिख सकते हैं कि वाई इज इस, ये बात समझ में आई? देखो ऐसे यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ, यही क्या हो गया अल्फा, दिस इज नथिंग बट द क्या होगा पॉइंट पी, इसका कोऑर्डिनेट क्या वाई कॉमा क्या है, के बाद में आप लिख लेना है ना, नहीं जेड कॉमा वाई होगा है ना, यहाँ हम क्या लिखेंगे जेड कॉमा है, यहाँ हम लिखेंगे क्या जेड कॉमा क्या लिखेंगे, ठीक है, जेड कॉमा क्या हो जाएगा है ना, जेड एक्सिस से बाद में हम लिख लेंगे। तो यहाँ देखो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, यही वाई कोऑर्डिनेट हुआ है ना, तो ये वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, वाई इक्वल टू ये वाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा जेड, तो जेड इक्वल टू नहीं क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ये टोटल क्या है, यही क्या है ये ओरिजिन है ना, यहाँ से ये क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, ये एक्स और ये टोटल क्या हो जाएगा आर माइनस क्या हो जाएगा यही कॉमा सी। ठीक है, ये रेडियस, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आर माइनस जेड अपॉन क्या लिख सकते हैं, सही है यार है ना, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि आर ठीक है कॉस अल्फा इज इक्वल टू आर माइनस जेड, तो जेड इक्वल टू लिख सकते हैं आर इंटू क्या लिखेंगे 1 cos, और यहाँ से भी लिख सकते हैं जेड इक्वल टू आर इंटू क्या होगा 1 cos अल्फा इक्वल टू क्या है यार ओमेगा टू, ये तो मालूम है ना थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू क्या होगा ओमेगा इंटू टी होता है। ठीक है, तो जेड कोऑर्डिनेट मालूम चल गया, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा आर क्या होगा क्या हो जाएगा आर साइन क्या हो जाएगा साइन ओमेगा। तो अब मालूम चल गया कि पोजीशन जो होगा yz एट एनी टाइम t, देखो हमने यहाँ क्या लिया है प्लस z लिया है तो माइनस z लिख लेना है ना, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा हेंस पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन क्या होगा स्पेस, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट क्या होगा एट एनी टाइम टी इन क्या होगा इन स्पेस इज गिवन एज, देखो आर इज इक्वल टू क्या होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस क्या होगा जेड, यदि आप माइनस के कैप लिख रहे हो तो वहां नहीं तो प्लस के कैप लिखना जेड, यहां से देखोगे आर इक्वल टू एक्स क्या था यार v0 cos theta t i cap plus v0 sin, ठीक है y क्या है ये समझ में आया ना, हमने ये क्या लिख दिया है ना, हाँ सही, तो x equal to v0 cos theta into t, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा देखो r sin क्या होगा omega t into g cap plus क्या हो जाएगा minus या plus r है ना into 1 cos omega t into क्या हो जाएगा माइनस, तो ये किसी टाइम क्या हुआ
उसका पोजीशन। यहां से देखोगे तो यही क्या होता है, हेलिकल पाथ, यहां से तुम प्रूव कर सकते हो, ठीक है। जब क्या होगा, कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि इतने टाइम के बाद उसका पोजीशन बताओ, आपसे पूछा जाएगा वन रिवोल्यूशन के बाद पोजीशन बताओ क्या होगा, या हाफ रिवोल्यूशन के बाद एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट लिख। तो किसी भी टाइम आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ टी का वैल्यू रख दोगे तो आसानी से, रटना नहीं है, केवल तुमको समझना है कि क्या होगा, एक्स प्लेन, एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पे कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, और वाई जेड प्लेन में क्या होगा, ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ठीक है, जिसका रेडियस क्या होगा, एम बी आर साइन थीटा अपॉन क्या होगा क्यू बी, टाइम पीरियड कितना होगा, टू पाई अपॉन क्यू बी, और उसके बाद आपको लिख लेना। अब किसी टाइम टी आपसे कोई पूछे कि वेलोसिटी बताओ क्या होगा, तो अगला पॉइंट क्या है कि देखो यही से है ना, तो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी। ये समझ में आया, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट कितना है, तो हम लिखेंगे, ये पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस में, मेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या एडवांस में, है ना, मेंस में तो केवल पूछा जाएगा हेलिकल पाथ बताओ, तो यहां ये पूछा जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट क्या होगा, एनी टाइम, तो देखो क्या होगा, आई मीन हम लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू क्या होगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस क्या होगा वी जे क्या होगा के कैप, या माइनस के कैप लिख सकते हो यहाँ तुम, ठीक है। अब देखो यहाँ इधर है, ए एंगल अल्फा है, तो ए वाला कितना हो जाएगा यार, ए वाला कितना हो जाएगा अल्फा, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ ए ऐसे है ना, ए ओरिजिन है, ये सर्कुलर आर्क मान लो आप, ठीक है, ए एंगल क्या है अल्फा है, यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है वी नॉट क्या है साइन, यहाँ ए वाला ए जेड एक्सिस हो जाएगा यार माइनस जेड एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा, ए अल्फा है, तो ए अल्फा ये कितना, ए अल्फा हो जाएगा, ये समझ में आया ना, दिस इज रेडियस, इससे कोई मतलब नहीं है। तो देखो वी वाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं वी नॉट, क्या लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस अल्फा, आई मीन वी नॉट क्या होगा साइन थीटा कॉस ऑफ ओमेगा टी, है ना, वी जे इक्वल टू क्या लिख सकते हैं वी नॉट साइन थीटा इंटू क्या होगा साइन अल्फा, आई मीन क्या होगा वी नॉट, ये समझ में आया ना, अरे इसके अलोंग इसका कंपोनेंट क्या होगा, इसके अलोंग इधर कंपोनेंट रिजॉल्व कर देना, तो इधर क्या होगा, इधर रिजॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा साइन अल्फा हो जाएगा, और इधर रिजॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा साइन अल्फा, ठीक है, सॉरी कॉस अल्फा गलत लिख दिया, कॉस वही मैं लिख रहा हूँ, तो वी नॉट साइन थीटा साइन क्या हुआ ओमेगा टी। अब आप क्या कर सकते हो कि वेलोसिटी क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो आसानी से, क्या कर सकते हो वेलोसिटी को लिख सकते हो, अब देखो v इक्वल टू क्या लिखोगे, v का वैल्यू रख दो, और vx ऑलरेडी मैंने बताया कि vx इक्वल टू क्या होगा v नॉट cos थीटा, अब वैल्यू रख दो यहाँ, अगेन देखोगे तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होगा v नॉट cos थीटा i कैप प्लस v नॉट sin थीटा, कॉमन ले लिया है तो v नॉट आई मीन v नॉट cos थीटा j कैप माइनस v नॉट sin साइन थीटा नहीं होगा सॉरी ओमेगा टी जे कैप साइन ओमेगा टी क्या होगा, ठीक है, यही क्या हुआ वेलोसिटी किसी टाइम टी मालूम चल गया, वेलोसिटी एट एनी टाइम क्या होगा एनी टाइम, यहां भी प्रूव कर सकते हो कि स्पीड जो होगा स्पीड इक्वल टू क्या होगा स्पीड इज इक्वल टू देखो यहाँ ध्यान से मैग्नीट्यूड ऑफ वी एट एनी टाइम टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देखोगे तो क्या हो जाएगा वी नॉट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे क्या है पूछा, ठीक है, अगेन यहाँ क्या होगा स्पीड जो होगा क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू वी नॉट कॉस आई मीन वी नॉट इंटू क्या हो जाएगा भीनत इनटू क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक क्या होगा पिच ऑफ द हेलिक्स आई मीन जब क्या होगा याद रखना है जब क्या होगा
किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे फेंके, जहाँ थीटा क्या होना चाहिए, 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, 180 डिग्री नहीं होना चाहिए, उस केस में उसका जो पाथ होता है वो क्या होता है, हेलिकल होता है और यूनिफॉर्म पिच होता है। अब आप बोलोगे सर नॉन यूनिफॉर्म पिच कब होगा, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। अब आप क्या करो कि चार्ज पार्टिकल को, है ना, आई मीन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो यार। अगेन क्या होगा, वाई जेड प्लेन में क्या होगा, वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से क्या होगा, कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करेगा, वाइल एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, वेरिएबल वेलोसिटी आई मीन कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन से मूव करेगा। इसलिए एक्स जो होगा वो क्या होगा, हर टाइम क्या होगा, चेंज होता रहेगा। इस केस में वाई जेड जो होगा वो क्या होगा, वाई जेड प्लेन में वो कॉन्स्टेंट रेडियस पे सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, वाइल पिच ऑफ द एलिक्स क्या हो जाएगा, या आई मीन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइम में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसलिए पिच ऑफ द हेलिक्स यहाँ क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। वाई क्या होगा, इस केस में क्या होगा, आप वाई जेड प्लेन में क्या होगा, कॉन्स्टेंट सर्कल पे क्या होगा, मूव करेगा। तो जब क्या होगा, वेन क्या होगा, वेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर एंड ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा विद द फील्ड, then its path will be again क्या होगा, helical but with non uniform pitch। तो yz plane में क्या हो जाएगा, सब कुछ यही expression रहेगा, लेकिन x axis के along क्या हो जाएगा, जो situation होगा वो क्या होगा, change हो जाएगा। तो जैसे अब मैं बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ, अब यहाँ क्या पढ़ेंगे, combination of, यहाँ एक force पढ़ेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, Lorentz force। तो अगला जो टाइप इसमें टू कंसीडर कर लो, टाइप टू आई मीन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन क्या होगा, इन कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल क्या होगा, एज वेल एज मैग्नेटिक मैग्नेटिक। यहाँ दोनों क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आई मीन ई क्या है, देखो यहाँ ई इज इक्वल टू बी क्या है, ई इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, और बी वी इक्वल टू क्या है, कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहाँ हम क्या पढ़ते हैं, लॉरेंज फोर्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि जब क्या होगा, एफ एल एफ ई प्लस क्या होगा, एफ एम आई मीन क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स, दिस इज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड दिस विल बी क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स। और इसका वैल्यू आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्यू इंटू ई प्लस क्या होगा, क्यू इंटू क्या होगा, वी क्रॉस क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू इंटू ई प्लस क्या लिख सकते हैं, वी क्रॉस क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लॉरेंज फोर्स का मतलब क्या होता है कि दिस इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। क्या बोलते हैं हम कि सम ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन एनी चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड क्या होगा, लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स क्या हो सकता है, प्योरली इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो सकता है, प्योरली मैग्नेटिक फोर्स भी होता है, और क्या होगा, दोनों का क्या होगा, कॉम्बिनेशन, ठीक है, समझ में आया। तो इसी पे क्या होगा, अगले क्लास आई मीन अगले नेक्स्ट लेक्चर में इसी पे बेस्ड क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस हम कुछ सम क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। आज के क्लास में बस इतना ही है ना, इसके बाद जो होगा इसी पे बेस्ड हम क्या है, प्रॉब्लम देखेंगे।